हेलो स्टूडेंट्स सो आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को कौन सा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है enthalpy, जिसे हम टॉपिकेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और इसका इस जो टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन यूज होता है पी ब्लॉक में एस ब्लॉक में डी ब्लॉक एफ ब्लॉक तो ये सारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स हो या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो हमें पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथल्पी क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हम इसके वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं इसके ट्रेंड को कैसे समझ सकते हैं प्रियोरिक टेबल में तो इसलिए ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस लेक्चर को मिस मत करिए इस लेक्चर को पूरे लास्ट तक देखिए और समझिए कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी को हम समझ सकते हैं और उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम में कैसे हम इसके बेसिक कांसेप्ट को अप्लाई करते हैं विपत्ति की ए पाठशाला में मैं प्रिया सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने है वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट तो चलिए स्टार्ट कर दें अपने लेक्चर को तो बच्चों यहां पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तो पे दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे यहां पर हम किसी एलिमेंट को लेंगे एलिमेंट का जो स्टेट होना चाहिए वो गैसियस होना चाहिए वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए देन यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और अगर आप किसी एलिमेंट में से या किसी आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो आपको देना होता है एक्स्ट्रा एनर्जी इसका मतलब कि यहां पर एनर्जी हमें सप्लाई करनी होती है बाहर से तो आइए इसको समझते हैं कैसे तो बच्चों आयोनाइजेशन एनथेल्पी जिसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं ये एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जहां पर एलिमेंट लूज करता है इलेक्ट्रॉन और इसे ही आयोनाइजेशन एनथेल्पी करते हैं कहते हैं

ये ग्राउंड स्टेट है ये कौन सा स्टेट है ग्राउंड स्टेट है यहां पर ये ग्राउंड स्टेट है और यहां पर ये सोडियम प्लस गैसे स्टेट में आया अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है तो यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि यहां पर सोडियम जो गैसे स्टेट में था अब वो सोडियम प्लस गैसे स्टेट में आ गया है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथल्पी इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथेल्पी तो आइए हम देखते हैं बच्चों कि यहां पर इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम फ्रॉम इ ग्राउंड स्टेट मतलब यहां पर हमने क्या देखा कि सोडियम जो गैसिस स्टेट में था वहां पे हमने एनर्जी सप्लाई की हमने एनर्जी सप्लाई की बाहर से और वो सोडियम प्लस गैसिस स्टेट में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब इस प्रोसेस को हम आयोडाइजेशन एंथल्पी बोलते हैं तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट होता है पर मोल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो बच्चों आगे बढ़ेंगे क्या होती है आइए समझते हैं अब देखिए यहां पे सोडियम प्लस गैसेस स्टेट में आ गया है अगर हमने यहां से और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो ये आपका बन जाएगा सोडियम टू प्लस गैसियस स्टेट तो यहां पर ये आयोनाइजेशन एनर्जी टू कहलाएगी यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी वन है वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी थ्री आयोनाइजेशन एनर्जी फोर तो ये वैल्यू जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी थ्री फोर बनते जाएगी तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथेल्पी ये होती है यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथेल्पी में जो हमें सोडियम प्लस गैसेज स्टेट में मिला है वहां पर हमने और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसे सोडियम 2 प्लस कर दिया तो इसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड बोलेंगे बच्चों आगे देखते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहां पर बच्चों हम देखते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड लूजली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट स्टेट देन इट इज कॉल एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन शोन आप देख सकते हैं यहाँ पर X प्लस यानी सोडियम प्लस से सोडियम 2 प्लस हुआ है सोडियम प्लस से सोडियम 2 प्लस हुआ है तो so, उसे हमने बोला सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फिर बच्चों यहाँ पे हम आगे देखते हैं यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी हमेशा आपको बाहर से सप्लाई करनी है मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है गैसियस स्टेट से तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी होगी बाहर से तो यहाँ पर एक चीज फिक्स है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि यहां पे सप्लाई एनर्जी की बाहर से करते हैं एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेट एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे इलेक्ट्रॉन अपनी खुशी से तो बाहर जाएगा नहीं आपको उसे फोर्सफुली बाहर निकालना होगा तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी होती है डेट इज वाई यहाँ पर ये वैल्यू आयोनाइजेशन एंडी की हमेशा पॉजिटिव होती है तो ये चीज हमें क्लियर हुई यहाँ पर देखते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंड थल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंड इसका क्या मतलब है आइए इसको समझते हैं तो स्टूडेंट्स यहां पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं यहां पर हमने देखा कि सोडियम जिसके पास 11 प्रोटॉन यानी यहां पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से 11 है और इलेक्ट्रॉन 11 है यहां पर प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 10 है जबकि यहां सोडियम टू प्लस के केस में ग्यारह प्रोटॉन और नौ इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं जैसे जैसे आप को करेंगे, वैसे, वैसे तो कांस्टेंट है यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा यहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है यहां पर ये ग्यारह प्रोटॉन को सिर्फ नाइन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करना है अपनी ओर अट्रैक्ट करना है जबकि यहां पर 11 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है तो बताइए किसके लिए ज्यादा इजी है इलेक्ट्रॉन होल्ड करना यहां पर और सोडियम प्लस और सोडियम टू प्लस के केस में हमने देखा कि यहां पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है जबकि यहां 11 प्रोटॉन नाइन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये ग्यारह प्रोटॉन नाइन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है जबकि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और यहां पे सबसे कम है तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा यहां पर जबकि यहां देख रहे हैं कि ग्यारह प्रोटोन दस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है यहां पे न्यूक्लियर चार्ज इसके कंपेरिजन में ज्यादा है मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी यहां पर क्या समझ में आता है क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे जब यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा होगा इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में दिक्कत होगी परेशानी होगी यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने कारण, electron के कारण इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना मतलब हमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमारी आयोनाइजेशन एनथेल्पी है वो हमें ज्यादा देनी होगी तो यहां पर हमें समझ में आता है कि आयोनाइजेशन एंथल्पी टू हमेशा ज्यादा होती है आयोनाइजेशन एनथेल्पी वन से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीजन क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा फिर बात करें अगर आयोनाइजेशन एनर्जी थ्री की तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी थ्री टू से भी ज्यादा होगी मतलब कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होने लगता है वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो ये बात हमें समझ में आई

कि जब हम लेफ्ट से राइट right की ओर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है आइए इसे समझते हैं तो students, यहां पर हम क्या देख रहे हैं सोडियम और न्योन का केस जहां पर सोडियम सोडियम प्लस यहां पर देखिए मेंशन करना गैसेस स्टेट बहुत जरूरी है यहां पर आपको गैसेस स्टेट को मेंशन करना बहुत जरूरी है तो यहां देखिए कि हमने देखा कि सोडियम जब सोडियम प्लस बनता है तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक होता है सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जब ये सोडियम प्लस में कन्वर्ट होता है तो ये बनता है 1s2, 2s2, 2p6। टू यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले सोडियम अनस्टेबल था जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भगा दिया तो हटा दिया निकाल दिया तो वो स्टेबल हो गया इट मीन कि यहां आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी जरूरत है मतलब जब थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई किया जब बहुत कम अमाउंट में एनर्जी सप्लाई किया तो सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर हटाया यानी रिमूव किया और वो सोडियम प्लस बनकर स्टेबल हो गया जबकि इनकेस न्योन की बात करें तो पहले स्टेबल था 1s2 2s2 2p6 लेकिन जब हमने एनर्जी सप्लाई की और इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये न्योन प्लस बन गया और यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन अनस्टेबल हो गया तो यहां पर क्या चीज समझ में आती है कि जब हम लेफ्ट से राइट right की ओर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है आयोनाइजेशन एंथल्पी इंक्रीज होती है आयोनाइजेशन एंथल्पी इंक्रीज होने का रीजन ये है कि पहले ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन में था और अब ये अनस्टेबल हो गया तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब यहां पे हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना होगा तो आइए इसको देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथेल्पी इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड इट विल डिक्रीजेस डाउन ग्रुप इसे कैसे समझ सकते हैं आइए देखते देखते हैं हैं तो यहां पर हम क्या देखते हैं? कि का ज़्यादा होगा से लेकिन बात करें अगर हम डाउन टू द दा ग्रुप लिथियम और सोडियम का केस लेते हैं तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है रीजन क्या है कि लिथियम प्लस में जो इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है यहां पर वो यहां पर न्यूक्लियस के बहुत पास में है जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से थोड़े से डिस्टेंस पे है तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में थोड़ा कम होगा और लिथियम का ज्यादा होगा तो जैसे डाउन टू द ग्रुप हम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं और जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने न्यूक्लियस से दूर होता है जिस कारण वहां पर इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से बाहर किया जा सकता है जल्दी से रिमूव किया जा सकता है थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करके तो यहां पे समझ में आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन टू तो द ग्रुप इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू तो राइट जब हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है आइए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं

आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है जबकि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है तो हीलियम और न्योन के केस में हीलियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी पहला कि यहाँ पर ये नोबल गैस है तो इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी बाकी अदर एलिमेंट से और दूसरा हीलियम और न्योन के केस में हीलियम ऊपर आता है न्योन से तो इसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी म्योन से तो यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा तो हो पूछा जा रहा है कि सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम बेरिलियम एंड बोरॉन के बारे में इसके ऑर्डर बताइए तो आइए इसको सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को हम कैसे समझ सकते हैं आइए देखते हैं तो सबसे पहले आपको आयोनाइजेशन Enthalpy के केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आना चाहिए तो हमने सबसे पहले सेकेंड आयोनाइेशन एंथेल्पी के बारे में पूछ रहा है तो हमने सभी का सेकेंड एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो 1s2 और ये स्टेबल हो गया उसके बाद ये लिथियम टू प्लस में कन्वर्ट हुआ मतलब एनर्जी और यहाँ पे वन एस वन हो गया मतलब ये स्टेबल था और ये अनस्टेबल हो गया फिर हमने देखा बेरिलियम जहां पर ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 यहां पर ये यह 1s2 2s2 था ये स्टेबल था यहां पर ये यह स्टेबल था फिर ये 1s2 2s1 हो गया अनस्टेबल और जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में 1s2 हो गया ये स्टेबल हो गया फिर यहां पर हमने देखा कि ये यह जहां पर अनस्टेबल था और यहां पर फिर ये 1s2 2s2 से स्टेबल हुआ देन ये यहां पर अनस्टेबल हुआ तो बच्चों यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल को सिर्फ देखना है हमें सिर्फ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल को देखना है हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं है सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल के टाइम क्या चेंजेस हुए हमें वो नोट डाउन करना है तो देखिए स्टेबल से अनस्टेबल यहां पर हाई एनर्जी सप्लाई कर रही होगी Stable से अनस्टेबल मतलब हाई एनर्जी सप्लाई करनी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यहां पर बेरिलियम के केस में ये अनस्टेबल था और फिर ये स्टेबल हो गया इसका मतलब कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करनी होगी यहां पर देखिए ये स्टेबल है और फिर ये अनस्टेबल हो गया तो यहां पर सबसे लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमें बेरिलियम के लिए लगेगा तो यहां पर अगर हम आंसर की बात करें तो स्टूडेंट्स पर बेरिलियम का पोटेंशियल के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो लेस होगी लिथियम और बोरॉन के केस में अब देखिए लिथियम और बोरॉन प्लस दोनों ही स्टेबल है लेकिन लिथियम वन इज टू है और बोरॉन है यहां two two है है पे देखिए ये ये और और का मतलब ये फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में हैं मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में और ज्यादा डिफिकल्टी है तो लिथियम प्लस यहां पर इलेक्ट्रॉन वन एस टू है न्यूक्लियस के वेरी क्लोज है जबकि यहां पर टू एस है मतलब एनर्जी यह तो लगेगी यहाँ लिथियम और बोरॉन में एनर्जी ज्यादा लगेगी लेकिन लिथियम में और भी ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्लोज में है तो यहां पर अगर हम देखें तो लिथियम और फिर आएगा हमारा बोरॉन तो यहां पर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी करेक्ट है तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है तो बच्चों ये यहां पर इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम बिकॉज यहां पे ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है आपको सॉल्व करना है और हमें नेक्स्ट लेक्चर में आप मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी और आपको खुद से सॉल्व करना है ट्राई करना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको लिखना है कि क्या रीजन है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन क्यों लेस होगी बेरिलियम के तो यहाँ पर अगर हम बेरिलियम और बोरॉन की बात करें तो आप देखते हो कि बेरिलियम यहां पर आप देख सकते हैं कि बेरिलियम वन एज टू टू एस टू है जबकि बोरॉन वन एज टू टू एज टू टू पी वन है तो यहाँ पर अनस्टेबल से स्टेबल है मतलब यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है जबकि यहाँ पर हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से समझ सकते हैं तो बच्चों यहाँ पे आपको ऑप्शन सी है यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से के लिए हाई कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हाईएस्ट वैल्यू आयोनाइजेशन एंथल्पी होगी तो यहां पर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए ये आपके लिए होमवर्क है हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए और आयोनाइजेशन uh, पोटेंशियल को बहुत अच्छे से पढ़िए समझिए क्योंकि ये बेसिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच